आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने दुबले पतले शरीर को लेकर काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी कुछ मेहनत किया जा रहा है, फिर भी आपके दुबले पतले शरीर जो है वो ठीक नहीं कर पा रहे, मोटा नहीं हो रहा है, मोटा होने के लिए काफ़ी मतलब ऐसे चिंतित है और समय समय पर ऐसे बहुत सारे मेडिसिन का भी प्रयोग किया है, फिर भी नहीं हो रहा है तो और भी टेंशन कर रहा है। लेकिन हर किसी का मन में ये सोच है कि ऐसे बॉडी दिखने लगे, ऐसे अपना बॉडी बनाए, ये सोच में रहते हैं, लड़का बोलो लड़की बोलो, ठीक है। और ज़्यादातर लड़के लोग ये ब्यूटी होने के लिए भी सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे दवा के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग करके आप सही मात्रा में अगर इसका प्रयोग करेंगे और सही डोज लेंगे या फिर उसके बारे में सारी जानकारी आप जानोगे, तब जाके ये दवा आपका शरीर में ऐसे ही काम करेंगे जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए। तो फ्रेंड, आप लोगों का समय का ध्यान रखते हैं इसीलिए हम शॉर्ट में डिटेल समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता रहे हैं रिवाइटल एज। तो रिवाइटल एज कैप्सूल क्या है ये पहले जानिए। ये जो रिवाइटल एज कैप्सूल है ये एक एलोपैथिक दवा है और ये मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एंटीऑक्सीडेंट जिंसिंग वाला दवा है। और ये दवा खाने से आपका शरीर में जो थकान है, कमजोरी है, वो दूर कर देता है और आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है ताकि आप देखने में ऐसे फिट लगते हो और काफ़ी मतलब चेंजेस अपने शरीर में हेल्थ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है रिवाइटल एज का काम। और दूसरा जो है वो है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ जो है वो है आयुर्वेदिक दवा है और ये खाने से आपका स्पेशली दो तीन काम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिससे आपका बॉडी में शरीर में नए खून बनाने के लिए ये कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा काम करता है। और एक काम करता है, आपका जो भूख नहीं लग रहा है तो ये कैप्सूल खाने के बाद आपका भूख लगता है, यानी लीवर में वो काम करता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे खाने के लिए सोच रहे हैं, अगर ज़्यादा आप खा नहीं पाओगे तब तो आपका शरीर नहीं होगा, इसीलिए ये कैप्सूल इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, ठीक है। ये आपका लीवर के लिए काम करता है, नए खून बनाने में भी काम करता है, काफ़ी ऐसे काम कर लेता है ये अपने शरीर में। तो ये दो कैप्सूल का यही काम है। आप ये बताएंगे ये दो कैप्सूल आपको कहाँ मिलेंगे। ये दो कैप्सूल आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें इसका प्राइस की। प्राइस की हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो जाते, ठीक है। इसीलिए प्राइस मतलब जो है वो आप MRP देख के ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ये दू क्यों दू, इसीलिए है कि आजकल अगर आप सोच रहे हैं बॉडी बनाने के लिए आप गुड हेल्थ ले रहे हैं, लेकिन गुड हेल्थ लेके आपका बॉडी नहीं हो रहा है तो आप बोल रहे हैं ये ले जब तक लिया तब तक ठीक था, बाद में ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है भाई, ये लेने के साथ साथ आपको और भी विटामिन ए और भी आयरन कैल्शियम खाना पड़ता है। लेकिन आप जो चीज़ें आजकल खा रहे हैं खाने में, उन चीज़ों में जो मात्रा में विटामिन कैल्शियम आयरन मिलना चाहिए था वो सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिलावट है जिसके कारण आपका शरीर टिक नहीं रह रहा है। इसीलिए खाने पीने में पहले आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा और अपना जो शरीर है उसे काफ़ी मतलब ऐसे एक्सरसाइज करना होगा। अगर रोज़ाना आधे घंटा एक घंटा आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो दवा खा के आप बॉडी बनाने के लिए सोच रहे हो और जो बॉडी आपका बन रहे हैं वो रहेगा। लेकिन आप सिर्फ दवा का ऊपर भरोसा करके आप दवा खा रहे हैं, सो रहे हैं और बोल रहा है कि मेरा बॉडी क्यों नहीं हो रहा, ऐसे करने में नहीं होगा। क्योंकि ये खाएंगे और भूख लगेंगे, आप खाना खाएंगे फिर आपका टॉयलेट क्लियर हो जाएगा और सो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप कुछ भी करने के लिए कुछ जगहों पर एडमिशन करते हैं, जैसे आप कोई पढ़ाई करने के लिए एडमिशन किया, तो एडमिशन करने से तो आपका पढ़ाई नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पढ़ाई करना होगा, समय लगाना होगा, अच्छे से एग्ज़ाम देना होगा, फिर से रिजल्ट आएगा ना। इसीलिए ये दवा खाने से के साथ साथ जो भी चीज़ की इस्तेमाल करना चाहिए वो करिए, फिर देखिए आपका कैसे बनता है। क्योंकि लोगों का बन रहा है इसीलिए ये चल रहा है, लोग ले रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये दवा जब लेंगे साथ में आप एक्सरसाइज करिए, साथ में अच्छे अच्छे विटामिन खाइए और इसके साथ, और अगर विटामिन में आपको जैसे मिल्क है, दूध है, ये और भी आइटम्स है, अगर ये खा नहीं पा रहे तो आप काम करिए, ये गुड़ेल के साथ आप मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल रिवाइटल ले सकते हैं, आयरन कोई ले सकते हैं, कैल्शियम कोई ले सकते हैं, फिर जाके आपका ऐसे फ़ायदे होंगे, ठीक है। अब बात करें इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बात यह है कोई प्रेग्नेंट वोमेन ये ना ले, और जो बच्चे को दूध पिला रहा है वो भी ना ले, कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट ना ले और जो डायबिटीज पेशेंट है ये भी ना ले, ठीक है। तो जब भी आप ये लेने के लिए सोचेंगे तो उसी टाइम आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह से आप ये दवा प्रयोग करिए। क्योंकि डॉक्टर आपका शरीर का मौजूदा कंडीशन देखेंगे, आपका पहले से कोई बीमार है या नहीं, सब कुछ देख के चेक करके फिर आपको डोज तय करेंगे, ठीक है। तो यही है डोज, ये जो दवा खाने का डोज है ये आप डॉक्टर से पूछ के लीजिए, तब जाके बेहतर होगा, ठीक है। और अगर अपने आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये रिवाइटल एज जो है वो दिन में एक बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और ये जो गुड हेल्थ है ये दिन में दो टाइम में आप ले सकते हैं, बस यही है डोज, ठीक है।
और साथ में अगर आपको और भी कुछ खाना है कैल्शियम, आप ये भी ले सकते हैं। आयरन खाना है तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी से आप अगर यही प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर आपका जो बॉडी है वो गेन होगा। आप जो चाह रहे हैं दुबले पतले शरीर को मोटा बनाने के लिए, जैसे चाह रहे हैं वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो दवा के साथ साथ आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे मात्रे में दवा खाइए, तब जाके आपका यही बॉडी बन के और रहेगा, कभी चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।